अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रज़ा और आप देख रहे हैं हसन रज़ा कंपनी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम ब्लॉगर पे ई कॉमर्स स्टोर बनाने के हवाले से वीडियोस बना रहे थे और हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने ब्लॉग पे ई कॉमर्स स्टोर का जो है वो मेन मेन्यू क्रिएट कैसे करेंगे, जिसमें जो है कैटेगरीज वगैरह आएगी जो कि बिल्कुल आपके टाइटल के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे यहाँ पर मेन्यू शो होगा। तो आज का जो टॉपिक है, ब्लॉगर पे हम अपने प्रोडक्ट्स का मेन्यू कैसे सेट करेंगे। तो मैंने कुछ पोस्ट ऑलरेडी इसमें ऐड की हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं, आप आपको दिख रहे होंगे डिफरेंट कैटेगरीज के हवाले से हैं और इसको हमने आज सेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ब्लॉग पे आ जाना है। ब्लॉग पे आने के बाद फ्रेंड्स, आपने यहाँ से लेआउट पे चले जाना है। लेआउट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेन मेन्यू यहाँ पे दिख रहा होगा, लिंक लिस्ट गैजेट, इस पर आपने क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आपने ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने नाम लिखने के, आप जो कैटेगरी का नाम रखना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने ऐड किया था मोबाइल, और इसकी कैटेगरी के लिए हम क्या करेंगे, सभी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे इसकी कैटेगरी हमें मिल जाएगी और हम इस कैटेगरी को यहाँ से कॉपी करेंगे। देखिए, मोबाइल की कैटेगरी में जितने भी मोबाइल्स हैं वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पर हम उसका जो है वो लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर आप ज़्यादा शो करना चाह रहे हैं तो ये जो आगे लिखा हुआ है मैक्स रिजल्ट्स 8, इसको आप हटा दें तो मोबाइल के रिलेटेड जितने भी कैटेगरी, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सब दिखा देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट ऐड करेंगे। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है फ्रेंड्स लैपटॉप, डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी कैटेगरी को सर्च करेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगी। ये है इसकी कैटेगरी, यहाँ पे आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है, यहाँ से हमें पेस्ट कर लेना है। अगर आपको किसी कैटेगरी की जो है वो सब कैटेगरी बनानी है तो आपने साइट के टाइटल में, यानी यहाँ पे जो आप कैटेगरी लिखेंगे, इससे पहले आपने अंडरस्कोर ऐड कर देना है। ठीक है, जब आप ऐड कर देंगे तो ये इस कैटेगरी के अंडर आ जाएगी, जो कि जब आप इस पे मेन्यू में जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके अंडर दिखेगी, बाहर नहीं दिखेगी। लेकिन हमें ये अलग से चाहिए तो हम फिलहाल इसको ऐसे ही रखेंगे एज इट इज़। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। बल्कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसके रिलेटेड वीडियोस हैं कि मेन मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं ब्लॉगर पे और उसको एडिट कैसे करते हैं, इस पर वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। हमारी लास्ट आइटम जो है वो भी ऐड कर लेते हैं। सो फ्रेंड, मैंने एसेसरीज भी ऐड कर ली, इसको हम सेव कर लेते हैं। हमारा मेन्यू रेडी हो चुका है, हम उसको सेव कर लेते हैं। सेव कर चुके हैं तो उसके बाद हमने एक बार पूरे ब्लॉग को सेव करना है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स, आप अपना ब्लॉग जो है वो चेक करना है। आप देख सकते हैं हमें मेन्यू दिख रहा है, ये देखिए मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एक्सेसरीज। आप इसमें से जिस भी कैटेगरी में जाएंगे वहाँ पे आपको उसके प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सब वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।